ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون चलिए कुल कह दीजिए या अहले किताब ऐ किताब वालों तआलो आगे आओ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है मुश्तरक है। कलमा क्या है? अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह कि हम इबादत ना करें मगर सिर्फ अल्लाह की। वला नुश्रिका बिही शैआ और ना शरीक ठहराएं उसके साथ किसी चीज को। वला यत्तखिदा बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह और हम्मे का बाज को रब ना बनाए अल्लाह के अलावा। फइन तवल्लौ बस अगर वो एराज करें फकूलू तो कह दो इशहदु तुम गवाह रहो वे अन्ना मुस्लिमून इस बात के कि हम इताअत गुजार हैं। ये है तर्जमा। हम और आप पीछे से जो कुछ पढ़ते आए हैं उसमें ये था कि नजरान का एक वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था कुछ समझने के लिए कुछ जानने के लिए। और उनकी फहमाइश हुई थी जिसका तस्करा पीछे आ चुका है। अब आखिर में उन्हीं को खिताब करके असलन कहा जा रहा है लेकिन जो बात कही जा रही है वो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि अहले किताब के ज़ुमरे में जितने लोग भी आते हैं सब के लिए यकसा बराबर थी। इसलिए खिताब अमूमी रखा गया है। यहूदी भी उसी बात के अलम्बरदार थे इसलिए वो भी उसमें शामिल हैं और भी अहले किताब में कोई ग्रुप हो वो भी उसमें शामिल होगा। उनको कहा क्या गया? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अब कलमा जब हम बोलते हैं तो एक लफ्ज मुराद लेते हैं। अल्लाह एक लफ्ज है, रसूल एक लफ्ज है, मोहम्मद एक लफ्ज है, लेकिन ये आम इस्तेमाल है। उसका खास इस्तेमाल ये है कि कलमा एक इस्तिलाही मफहूम भी रखता है जिसकी पूरी मानवियत होगी। जैसे हम बोलते हैं पहला कलमा, अब पहला कलमा का मतलब सिर्फ अल्लाह लफ्ज, रसूल लफ्ज, मोहम्मद लफ्ज नहीं होता बल्कि पहला कलमा का मतलब पूरी इबारत होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा पूरी इबादत होती है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू, पूरी इबादत होती है। तो कलमा लफ्ज का इतलाक एक लफ्ज पर भी होता है और एक पूरी बात पर भी होता है। ये असल समझना। यहाँ जो बात है
वो एक पूरी बात है, पूरी फिक्र है, पूरी सोच है, पूरा पैगाम है जिस पर उसका इतलाफ हो रहा है। और उस हवाले से कहा जा रहा है कि वो बात हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या है, बराबर है, मुश्तरक है, एक जैसी है, यकसान है, जो भी तर्जमा चाहे करे। अब वो बात क्या है? वो बात है तौहीद, वो बात है अल्लाह का की बंदगी बजा लाने की, वो बात है शिर्क से इज्तनाब की, वो बात है दुनिया में किसी और को अल्लाह का स्टेटस देने की। गोया ये तीन खास पहलू हैं जिसकी तरफ इशारा किया गया है। दोनों निकाल दीजिए, जिसकी तरफ खास इशारा किया गया है, एक तो इबादत इलाही, दूसरे शिर्क से इज्तनाब, और तीसरे किसी को भी अल्लाह को छोड़ करके रब बना लेना। अब रब बनाने का मतलब ख़ास तौर से समझने की ज़रूरत है। रब बनाने का मतलब क्या होता है? हम किसी के बारे में ये समझें कि वो हमारा पालनहार है, रब के माने तो पालने पोसने वाला होता है, नहीं दुनिया में तो हम किसी के बारे में भी नहीं सोचते। ज़्यादा ज़्यादा सोच सकते हैं तो माँ बाप के बारे में, ज़्यादा ज़्यादा सोच सकते हैं सरपरस्त के बारे में, उनको अगर हम किसी हैसियत में मानते भी हैं तो हम ये जानते हैं कि वो और अल्लाह बराबर नहीं, तो उनको अल्लाह को छोड़ करके रब तस्लीम करने का कोई तसव्वुर ही ज़हन में नहीं पाया जाता। फिर अल्लाह को छोड़ करके रब बनाने का मतलब क्या है? जैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ही बाद सहाबा को भी समझ में नहीं आया था, और ख़ास तौर से अहले किताब से खिताब था, तो अहले किताब में से जो सहाबी थे उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हमको ये कहा जा रहा है कि अल्लाह को छोड़ करके रब ना बनाओ। गोया ऐसा हम करते हैं, हमारे अंदर ये खामी या खराबी पाई जाती है। शिर्क के बारे में तो समझते थे कि हाँ शिर्क पाया जाता है, शिर्क के बारे में उनका एतराफ़ मौजूद था। ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कहते थे, खुदाई का मकाम देते थे, मरियम अलैहिस्सलाम को बेटा कहते थे, खुदाई का मकाम देते थे, अल्लाह को तीन हिस्सों में बांटते थे, जो तस्दीस का पूरा तसव्वुर है। यहूद के बारे में भी ये है कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, खुदाई की सिफत में शरीक ठहराते थे, लेकिन रब भी समझते थे, पालने पोसने वाला भी समझते थे, ऐसा तो नहीं था। तो ये एतराज आया, इस एतराज पर अल्लाह के रसूल ने एक जवाब दिया, वो जवाब असलन इस पूरे जुमले का मफहूम मुतय्यन कर दिया। वो जवाब क्या था? अल्लाह के रसूल ने कहा, ये बताओ तुम्हारे जो मजहबी पेशवा होते हैं वो अगर किसी चीज़ को हलाल करार दे दें तो तुम उसको हलाल समझते हो या नहीं? अगर किसी चीज़ को हराम करार दे दें तो तुम उनको हराम समझते हो या नहीं? उसने कहा, हाँ ऐसा तो है हमारे यहाँ। कहा, यही है रब बनाना, अल्लाह को छोड़ करके किसी और को रब बनाना, यही बात है। इसलिए कि किसी चीज़ को हलाल ठहराना ये रब का काम है, किसी चीज़ को हराम ठहराना ये रब का काम है। तुमने वो काम अल्लाह से छीन करके अपने मजहबी पेशवा को दे दिया, तो ये चीज़ उन्हें रब बनाना हो गया। अब ये जो इख्तियार है, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईसाइयों के जो पोप होते हैं ना, उनको हलाल हराम का इख्तियार है। आज भी उनकी थ्योरी में, उनके फलसफे में, उनके अकीदे में, उनके सोच में ये चीज़ शामिल है। आज भी तो ये बात यूं ही नहीं कही गई थी, बल्कि उनके यहाँ वो बिगाड़ पहले से पाया जा रहा था और आज तक वो बिगाड़ पाया जाता है, आज तक वो बिगाड़ पाया जाता है। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, कान खोल के सुन लीजिए, सुअर हराम है उनकी किताब में,
सूद हराम है उनकी किताब में, देना हराम है उनकी किताब में, लेकिन इन सारी चीजों को उनके पोप ने हलाल के दायरे में शामिल कर लिया है। सुअर शौक से खाते हैं, पालते हैं, सूद शौक से लेते हैं, और आजकल जो नया नया कानून चला है ना, लीव इन रिलेशनशिप, इसको भी वजह जवाब उनके यहाँ हासिल है। ये और देना में कोई फर्क है? कहने के लिए कहते हैं कि मना था, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि अनिकाह में जैसे रजा देखी जाती है, अगर यहाँ भी तो रजा पाई जा रही है, और ईजाब व कबूल के लिए निकाह का जो मुरवजा लफ्ज है वो जरूरी नहीं, हम तैयार वो तैयार कोई गवाही दे दे रहा है, हो गया, तो इसमें क्या हरज है? आना की जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क का मतलब ये है, जब निकाह होता है तो दोनों एक दूसरे के सिलसिले में बहुत सारी जिम्मेदारियों के मुकल्लफ बनते हैं, दो खानदान है ना, चाहे वो अखराजात से मुतालिक हो, चाहे वो देखभाल और निगरानी से मुतालिक हो, चाहे वो हसब नसब से मुतालिक हो, लेकिन यहाँ तो ये है कि बच्चा पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी किसी के तरफ ना, वो आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार है ना औरत जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उसका नसब किससे जुड़ेगा वो भी नहीं तय है। तो इस तरह की जो टिपिकल किस्म के मसाइल खड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद ये वजह जवाब देना कहीं समझ में आता है? ये एक ज़िमनी बात थी जो मैंने समझने के लिए बताया। फिर ये कि यत्तखिज़ु बादुना बादन अरबाबा मिन दूनिल्लाह के कम्प्लिकेशन कहाँ तक जाते हैं। अब उसके बाद ये उनको कहा गया फ़इन तवल्लौ, जो हकीकत थी वो तो हमने बता दी, जो बेस है उसमें सोच के एतबार से हम दोनों बराबर हैं, अमली कोताही पाई जाती है, हमारा पैगाम हमारी दावत ये है कि उस अमली कोताही से भी हम बाहर आ जाए। हम अल्लाह को अल्लाह तो मानते हैं, हम ये भी समझते हैं कि शिर्क गलत है, हम ये भी समझते हैं कि हलाल हराम का इख्तियार देना गलत है, गरचे अमलन देते हैं, उससे बात आने ही की तो बात मैं कर रहा हूँ, अगर मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए हम आप बराबर हो जाएंगे। बल्कि अल्लाह के रसूल के दूसरे इरशादात ये बताते हैं कि अहले किताब को तो आपने खुदूस लिखे तो यहाँ तक कहा कि तुम अगर ईमान लाओगे तो तुमको दोहरा अजर मिलेगा, पिछला अजर भी और ये मुझे तस्लीम कर लेने का अजर भी। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर वो ना माने, फइन तवल्लौ, वो एराज करें, पीठ फेरें, बकूलू तो कह दो, गवाह रहो तुम नहीं मान रहे हो ठीक है, लेकिन हम तो इताअत गुजार हैं, हम तो वही करेंगे जो सही है, जिसके मुकल्लफ हम बनाए गए हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आता है, तुमसे अल्लाह ताला निमट लेगा, तुमसे अल्लाह ताला समझ लेगा। कल को ये ना कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था और हमारे सामने कोई अमली नमूना नहीं था, ये जान लो कि हम इताअत गुजार हैं और प्रैक्टिकल करने वाले हैं, नामुमकिनात में से भी ये चीज़ नहीं है, इसलिए कोई एक्सक्यूज या कोई उज़्र माज़रत नहीं चलेगी। अब आगे और उन्हीं को समझाया जा रहा है, या आलम किताब लिमा तुहाजुन फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादिही अफला ताकिलून। ऐ अहले किताब, तुम क्यों इब्राहिम के सिलसिले में बहस मुबाहसा करते हो? अब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बहस मुबाहसा क्या करते थे वो असल समझने की जरूरत है। अपने आप को सही साबित करने के लिए ये कहते थे कि हम इब्राहिम के मानने वाले हैं, उनकी औलाद में से हैं, उनके तरीके पर हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे इसलिए हम यहूदी ही सही हैं। वैसे ही ईसाई भी अपने आप को कहते थे कि हमारी निस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, उनकी औलाद में से हैं, और वो जिस चीज़ के अलमबरदार थे उसी के हम अलमबरदार हैं, वो ईसाई थे हम ईसाई हैं।
हम उसी बात को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इस बात में कोई वजन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम जरूर थे, अल्लाह के ताज गुजार बंदे जरूर थे, लेकिन जो उनकी बिगड़ी यहूदियत थी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाई हुई तो नहीं थी क्या? जो ईसाई थे उनकी जो बिगड़ी ईसाइयत थी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाई हुई नहीं थी, लेकिन उसको वो चिस्पा करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीम बता करके, यही है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीम, हालांकि वो मुहर्रफ थी, हालांकि वो तब्दील की हुई थी, हालांकि उसमें घटाया बढ़ाया हुआ था। इसलिए कहा जा रहा है कि तुम क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कटुजती करते हो? तुम्हारा दावा तो ये है कि हमारी किताब तौरात है, हमारी किताब इंजील है, हम उसको फॉलो करते हैं, और ये भी जानते हो कि तौरात और इंजील तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है। तो अगर तुम तौरात और इंजील को फॉलो करते हो तो वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में नहीं थी, फिर ये बात तुम्हारी सही है या गलत? कामन अक्ल रखने वाला भी यही कहेगा कि गलत है। उसी को कहा गया वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील, नहीं नाजिल की गई थी तौरात और इंजील इल्ला मिन बाद ही मगर उसके बाद, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद। अब तुम तौरात इंजील को मानते हो, कहते हो यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात कैसे हुई? उनका लाया हुआ पैगाम कैसे हुआ? उनका लाया हुआ तरीका कैसे हुआ? फिर सवाल कर देंगे अफला ताकिलून, क्या भेजे का इस्तेमाल नहीं करते, अक्ल नहीं इस्तेमाल करते, सोचते नहीं, गौर फिक्र नहीं करते कि जो दावा कर रहे हो उसकी कोई बुनियाद है, उसकी कोई दलील है? अगर आज के हालात में समझना चाहिए, पूरी हिंदुत्व तहरीक क्या है? पूरी हिंदुत्व तहरीक अपने दावे में ये कहती है कि हम कदीम संस्कृति को जिंदा करने का मिशन रखते हैं। अब कदीम संस्कृति को जिंदा करने के मिशन रखने के बावजूद जो उनके करतूत हैं वो उनसे मेल खाते हैं? उनकी संस्कृति में तो बेपर्दगी नहीं थी, उनकी संस्कृति में तो जुल्म नहीं था। जिस राम को जिस कृष्ण को वो पूजने की बात करते हैं उनकी तालीमात में भी जुल्म का जायज़ तो है नहीं, बेपर्दगी जायज़ तो है नहीं। और आज हिजाब के लिए इतना ड्रामा किए हुए, तो हमेशा इस तरह के अनाजिर आड़ लेते हैं, इस तरह के लोग क्या करते हैं, सहारा ढूंढते हैं आम लोगों को बहकाने के लिए, आम लोगों को मिसगाइड करने के लिए। वही उन यहूदियों और नसरानियों ने भी किया था, तो उनका ये जो ऐतराज़ था उसका जवाब अकली अंदाज में दिया गया, इस अंदाज में, अकली अंदाज में, कि कॉमन सेंस से भी तुम्हारा ये दावा पूरा या सही साबित नहीं होता, फिर कैसे उसको माकूल समझा जाए, उस पर गौर किया जाए या उसे तस्लीम किया जाए? ये निकाल, अब आगे क्या कहा जा रहा है? ये निकाल, आगे ये कहा जा रहा है हा अंतुम हा उलाय हा जस्तुम फीमा लकुम बही इल्म फलिमा तो हा जूना फीमा लैसा लकुम बही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम वही लोग हो जो बहस करते हो उस सिलसिले में जिसका तुम्हें इल्म है, बस तुम उस मामले में बहस कैसे करते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है? वल्लाह यालमो अंतुम ला तालमो, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अब ये बात किस हवाले से कही गई, किस चीज़ के बारे में वो बहस करते थे और किस चीज़ के बारे में वो बहस नहीं करते थे, किस चीज़ का इल्म उनको था और किस चीज का इल्म उनको नहीं था?
फिर अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। उनकी बहस असलन हुजूर की रिसालत के सिलसिले में थी, उनको तो यही खाक खाए हुए था ना कि अब तक तो रसूल बनी इसराइल में से होते थे और अब बनू इस्माइल में से आ गए, हम भला कैसे उनको मान लें। रसूल होने का मतलब वो बड़े हो गए और अहम हो गए और हम उनके मुकाबले में छोटे हो गए, गैर अहम हो गए, हमको नहीं मान। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिसका तुम्हें इल्म है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, तो इल्म किस चीज का था और किस चीज का नहीं था। उनको इल्म इस चीज का तो था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उसके बावजूद लड़ाई लड़ना कि हम सही और वो गलत, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है उनके तरीके ही पे चलने वाले हैं, बिगाड़ वहां भी है बिगाड़ यहां भी है, दोनों में फर्क क्या हुआ। और साथ ही साथ उनको इस बात का भी इल्म था, इस्माइल की नस्ल में एक नबी आने वाला है जो इन खूबियों का होगा और उसको मानने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हर नबी ने उनके ये बताया था कि उस पर ईमान लाना उसी में निजात होगी, उनकी किताबों में भी वो पेशीन गोई मौजूद थी, ये जानते थे, उसके बावजूद बहस कर रहे हैं, हुजूर को नहीं मान रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, एराज कर रहे हैं, तो जानते बूझते ये कट हुज्जती थी, और ना जानते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तब अपनी निस्बत कर रहे थे, यहूदी नसरानी करार दे रहे थे, कुरान ने दूसरी जगह कहा मा काना इब्राहिम व यहूदियों वला नसरानी, इब्राहिम ना यहूदी थे और ना नसरानी थे, वलाकिन मुस्लिमन हनीफन, और पूरी सिफात दिखाई गई, लेकिन वो हनीफ थे मुस्लिम थे वगैरह वगैरह। अब जो बात आगे कही जा रही है वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह हकीकत हाल जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने जो नबूवत बदली, रिसालत बदली, पैगाम बदला, तो यूं ही थोड़ा ना बदला है, उसको इल्म है कि वो बिगड़ गया है, उसको सुधारा जाएगा तभी लोग सुधरी हुई जिंदगी गुजार पाएंगे। और ये लोग जो मुखालफत कर रहे थे वो भी समझते थे, लेकिन फिर अपने मफाद, अपनी मर्जी, अपनी चाहत, अपनी चौधराहट के चक्कर में मान के नहीं दे रहे थे। उसी को कहा कि वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है कि क्या है सही क्या है गलत, क्या है आज जरूरत क्या थी पहले जरूरत, और तुम नहीं जानते, तुमको सिर्फ अपना मफाद अजीज है, अगर वही अजीज है तो उसके लिहाज से तुम्हारा रवैया होगा और अल्लाह की तरफ से नतायज बराबर होंगे। फिर आगे क्या वजाहत कर दी गई, मा काना इब्राहिमो यहूदियों वला नसरानियन वला किन काना हनीफा मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम न यहूदी थे न नसरानी थे लेकिन वो हनीफ थे, हनीफ का मतलब अल्लाह के लिए यकसू, सारी दुनिया के मफादात से दस्तबरदार हो करके अल्लाह की रिजा में खो जाने वाले, मुसलमान इताअत गुजार थे, तुम्हारी तरह सरकशी दिखाने वाले नहीं, नाफरमानी करने वाले नहीं, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और सबसे अहम बात यह है कि वो शीर मुशरिकों में से नहीं थे, और तुम सबके सब मुशरिक हो, तुम सबके सब बेवफा हो, तुम सब के सब दुनिया परस्त हो। हनीफ की जिद बना लीजिए, जो अल्लाह के लिए यकसू है उसके मुकाबले में जो दुनिया के लिए यकसू है, मुसलमान जो इताअत गुजार है जो सरकश है, यहूदी नसरानी सब क्या थे सरकशी पे आमादा थे, और सब मुशरिक थे, अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुवाहिद थे, उनकी तौहीद का तो कुछ पूछना ही नहीं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर इब्राहिम की असल खूबी क्या थी, हनीफ मुस्लिम वमा काना मिनल मुशरिकीन, इस खूबी पर अगर परखा जाए और तौला जाए तो इब्राहिम से करीब तक
इब्राहिम से दादा सही ताल्लुक का दावा करने वाले मोहम्मद हैं, ये नबी हैं, इनकी इब्तिदा पर ईमान लाने वाले लोग हैं। इन्ना औला नास, औला माने ज्यादा करीब, बेशक लोगों में ज्यादा करीब इब्राहिम से लल्लदीना वो लोग हैं, इत्तबाउहु जिसने उसकी पैरवी की, किसकी पैरवी की, खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वही ना ज्यादा करीब माने जाएंगे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जिंदा थे उनकी जिंदगी में किया, उनके बाद भी जो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चले, और तुम तो चले नहीं, वो हनीफ थे तुम हनीफ नहीं हो, वो मुस्लिम थे तुम मुस्लिम नहीं हो, वो मुवाहिद थे तुम मुशरिक हो, तो तुमने तो उनकी पैरवी नहीं की। उसके बाद क्या कहा, हादन नबीयो, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लोगों में सबसे ज्यादा करीब उनकी पैरवी करने वाले जो उनके बाद थे या उनके जमाने में थे, आज के जमाने में यह नबी है। यह नबी का मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लदीन आमनु, और जो इस नबी पर ईमान लाया, यानी सहाबा किराम, हम दो भी हैं उस नबी पर ईमान लाने वाले, लेकिन उस वक्त हम मौजूद नहीं थे, उस वक्त तो सहाबा ही मौजूद थे, इसलिए यहाँ उससे मुराद सहाबा किराम ही होंगे। हाँ, आज बात होगी तो हम सब भी शामिल हो जाएंगे। वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, और याद रखो कि अल्लाह मोमिनों का सरपरस्त है या मोमिनों का करीबी है। वली माने करीबी भी होता है, वली माने सरपरस्त भी होता है, जो भी तर्जमा करें सही है, लेकिन जो सियाक चला रहा है उस सियाक में करीबी तर्जमा ज़्यादा सही है। यानी ये समझाया जा रहा है कि लोगों में इब्राहिम से करीब तो ये लोग थे, और इब्राहिम और ये सारे लोग अल्लाह से करीब हैं, अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह भी उनसे ज़्यादा करीब है। तुम जब ये कहते हो कि हम नबी की औलाद हैं, हम नबी के चहेते हैं, तो अल्लाह के भी चहेते हो जाएंगे। नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। ये सब दावा तुम्हारा सही नहीं है, ये सब भूल जाओ, ये सब चलने वाला नहीं है। असल जो पैमाना है वो ईमान है। अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन होते तो तुम भी अल्लाह के करीब होते, महबूब होते, लेकिन अब तुमने अपने आप को दूर कर लिया है, तो अब जो असल मोमिन हैं वही अल्लाह के करीबी हैं, वही अल्लाह के दोस्त हैं। अब ये बात जो सुनाई गई तो गोया उनको ये कह दिया गया दो दो चार की तरह कि अब अगर ये बात तस्लीम है तब तो ठीक, और नहीं तस्लीम है तो फिर हम और आप बिल्कुल अलग अलग, हम और आप बिल्कुल अलग अलग। दावा चाहे आप करते रहें लेकिन वो दावा काबिले तस्लीम नहीं है। ये तो उनको सुना दिया गया, लेकिन उनके जो चौधरी थे उनको एक बात और सुनाई जा रही है। क्या सुनाई जा रही, वद्दत ताइफतुम मिन अहल किताब, अहले किताब में से एक ग्रोह चाहता है, ताइफा माने ग्रोह, ऐसा ग्रोह जो गर्दिश करता रहता है, अपनी चलाने के चक्कर में रहता है। तवाफ माने क्या होता है, गर्दिश करना, ताइफा माने ऐसा ग्रोह जो गर्दिश में रहता है, अपने चलाने के चक्कर में रहता है। अब वो कौन होता है, जो हुक्मरान तबका होता है, चौधरी तबका होता है, वो होता है, असल वही मुराद है। आम लोग जो होते हैं उनमें संजीदा जहन के लोग भी होते हैं, ना समझ भी होते हैं, उनका जुर्म उतना संगीन नहीं होता जितना इन खिलाड़ियों का होता है। इसलिए कहा जा रहा है अहले किताब में से एक ग्रोह चाहता है, क्या चाहता है, लव यूजिन लू नकुम, काश वो तुम्हें क्या कर दे, गुमराह कर दे, सही रास्ते से भटका दे। वमा यूजिन लू नल्ला सोता हूं, लेकिन वो नहीं भटका सकते मगर अपने आप को, क्यों, वमा यश और
और वो शऊर भी नहीं रखेंगे, यानी उनके पास सही गलत की तमीज के हवाले से बहुत पुख्ता शऊर नहीं है, वो अपने नफ्स के गुलाम हैं, इसलिए वो खुद ही नफ्स की गुलामी में मुब्तला होकर के भटक जाएंगे, अपने आप को गलत राह पे डाल देंगे। इसलिए उनको होश के नाखून देना चाहिए कि नफ्स की गुलामी से बाहर आए। वमा जो दिलून इल्लान खुदा, वो नहीं गुमराह कर रहे मगर अपने नफ्स को, यानी नफसानी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो ये सारे खेल खेल रहे हैं, और उनको एहसास नहीं है कि इसकी गुलामी से नतीजा क्या बरामद होगा, नुकसान क्या होगा। दुनिया भी बर्बाद होगी, दुनिया में भी महफूज होंगे और आखिरत में तो जहन्नम रसीब होंगे, लेकिन इसका उन्हें एहसास नहीं है। वमा या शऊर, इसका वो शऊर नहीं रखते, अगर शऊर रखते ऐसी हरकत ना करते, शऊर रखते ऐसी हरकत ना करते। अब उनको कहा जा रहा है, या अहल किताब, अहले किताब, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, क्यों तुम अल्लाह की आयात का इनकार करते हो, वह अंतुम तशहदून, हाना कि तुम गवाह हो। अब अल्लाह की आयात का इनकार करने का मतलब क्या है, अल्लाह की जो आयात तुम तक पहुंची हैं, चाहे वो पहले पहुंची हो, आने वाला नबी, आने वाली किताब के बारे में जो पेशिन गोई थी, ये आज पहुंची है, जिसको देख करके उनका दिल गवाही दे रहा है कि हाँ ये वही नबी है, और इसमें जो तालीमात है वही बरहक है, इन सारी चीज़ों को वो तस्लीम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं वो मिस कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। फिर उन्हीं को कहा जा रहा है, या अहल किताब लेमा तल बेसूनल हक बिल बातिल, ऐ अहले किताब तुम क्यों हक को गड़मट करते हो बातिल के साथ। लफ्ज मन क्या होता है, दो चीज़ों को एक साथ ऐसा मिला देना कि तमीज मुश्किल हो जाए, पहचानना मुश्किल हो जाए, इसमें अच्छा क्या है खराब क्या है। आप पानी में जहर मिला दीजिए, उसके बाद आप अलग अलग कर लेंगे, आप पानी में शक्कर मिला दीजिए, फिर आप अलग अलग कर लेंगे, मिठास तो मिलेगी, ये पता चलेगा कि हाँ दो चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन तमीज़ करना मुश्किल होगा, उसको छांटना मुश्किल होगा। तो ये जो हक के साथ बातिल की आमेजिश की जाती है, अमूमन ऐसे ही सुरखाब के पर लगा करके, ताकि आसानी से अलग न किया जा सके, या उसका फ़र्क न उसको उसके फ़र्क को समझा ना जा सके और लामहाला उसमें फंस जाए। इसलिए कहा जा रहा है तुम क्यों हक को गड़मट कर देते हो बातिल के साथ, वह तक चमूनल हक, और हक को छुपाते हो। ऐसा करने में क्या होता है, हक क्लियर नहीं होता, वाज़े नहीं होता, गोया वो कुछ न कुछ पर्दे के अंदर चला जाता है। वंतुम तालमून, हालांकि तुम जान रहे हो तो इसमें सही क्या है गलत क्या है। अब यहाँ पर दो तीन बातें अहम हैं जो समझने की है, यहाँ से लेके पहले तक। एक बात तो आप ये देखिए कि जिनको खिताब किया जा रहा है उनके स्टेटस का लिहाज करके, या अहल किताब बार बार, या अहल किताब और कहाँ आया, या अहल किताब कितनी बार आया। हालांकि आम बयान का तर्क जो होता है वो क्या होता है, एक बार नाम लिया उसके बाद प्रोनाउन शुरू हो जाता है, ज़मायर शुरू हो जाते हैं, आप, हम, तुम, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ फोकस है, अहले किताब होने के बावजूद तुम गलत कार्य कर रहे हो, अहले किताब होने के बावजूद तुम गलत राह पर हो, अहले किताब होने के बावजूद भी तुम गुमराह हो चुके हो, अहले किताब होने के बावजूद भी तुम शरारत पे आमादा हो, कितनी चोट आएगी। जैसे किसी मौलवी को कहा जाता है ना, मौलवी होकर के भी झूठ बोलता है, मौलवी होकर के भी धोखा देता है, मौलवी होकर के भी लोगों को गलत फतवा देता है, कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल वही समझिए, बार बार जो
अहले किताब, अहले किताब कहा जा रहा है, जैसे हम लोग दम करना हो तो मौलवी साहब को कहते हैं, मौलवी होकर कैसा कर रहे हैं, वैसे अहले किताब होकर के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि इफाम और तफहीम के लिए जो चीज़ें कदरे मुश्तरक है, हम भी तस्लीम करते हैं, सामने वाला भी तस्लीम करता है, पहले मरहले में उतना मान लेने के लिए तैयार करना भी एक कदम आगे बढ़ना है। ये इसरार जरूरी नहीं कि 100% पहले ही दिन सब मानो, वरना गाड़ी नहीं चलेगी। अल्लाह के रसूल के पास कितने लोग आते थे और अपनी बातें रखते थे, आप देखेंगे बेसिक चीजों के अलावा अगर कोई वो कुछ छूट मांगते थे, रियायत मांगते थे, अल्लाह के रसूल दे देते थे। नमाज के मामले में रियायत नहीं, नमाज के मामले में रियायत नहीं, सूद के मामले में रियायत नहीं, ज़कात के मामले में रियायत नहीं, लेकिन उन्होंने जिज़िया के मामले में रियायत मांगी, दे दी। जिज़िया की शरह होती है ना इतने फीसद, अब वो कम बेश करने का अख्तियार है, तरगीब देने के लिए बिल्कुल मामूली भी रखा जा सकता है, ज्यादा दबंग किस्म के लोग हैं उनको कमजोर बनाने के लिए ज्यादा भी रखा जा सकता है। अब ये अमीर के खलीफा के सवाबदीन पर है, वो सूरत हाल के लिहाज से अगर कमजोर करना है सामने वाले को तो ज्यादा जिजिया थोप दिया, अगर उनकी दिलजोई करनी है कम जिजिया पे भी मांग के वो रियायत दे सकता है, उसमें हार्ड एंड फास्ट कसूर नहीं चलता, और सब देते थे। औरंगजेब के बारे में मशहूर है ना, औरंगजेब के बारे में मशहूर है कि उसने यहाँ जिजिया लागू किया, और उसको जालिम सितमगर कहने की एक दलील ये भी दी जाती है। लेकिन मालूम है हम लोग जितनी ज़कात देते हैं उससे ज्यादा जिजिया कभी नहीं लागू किया उसने, 2.5% से ज्यादा, 2.5% से कम, कहीं 2.5, कहीं 2, कहीं 1, कहीं 50 पैसे 8 आना जिसको बोलते थे उनका मान। अब वो सूरत हाल के लिहाज से फैसला होता था, वैसे अल्लाह के रसूल ने भी, खल्फाए राशिदीन ने भी। तो मैं जो चीज कह रहा था वो ये, जितना बेसिक चीज है उतना अगर मान रहा है और जो कदर मुश्तरक है उसके जरिए वो करीब आ रहा है तो उसके जरिए उसको करीब लाने की कोशिश की जाएगी। तीसरी बात जो समझने की है वो ये है कि सामने वाले को की तरफ से जो भी बातें आई हैं उसको तौला जाएगा। अब वो कहते थे हम इब्राहिम के मानने वाले हैं, तौल के दिखाया गया कि देखो ये तुम्हारा दावा गलत है, जज करके मुआवजा करके बताया गया। वैसे ही वो अपने आप को करीबी कहते थे, उसको भी जज करके बताया गया। तो सामने वाला जो भी दलाइल देता है उसको अक्ल की रोशनी में, उसूलों की रोशनी में परख करके उनके सामने उसकी कमजोरी रखनी चाहिए। चौथी बात जो समझने की है वो ये है कि मानने ना मानने की सूरत में नतीजा क्या बरामद होगा वो भी उनको समझाना चाहिए। मानने ना मानने की सूरत में नतीजा क्या बरामद होगा वो भी उनको समझाना चाहिए, ताकि नतायज पे गौर करके शायद समझ जाए। अब ये जिन लोगों को कहा गया, तारीख ये बताती है कि उनकी समझ में आया और उन्होंने सुन की जिजिया दे करके और फिर पुरसकून रहे, उनको समझ में आया तो इस फरमाइश का फायदा तो हुआ। अब आगे ये कहा जा रहा है वकालत ताइफतु मिन अहले किताब, एक तो ये चौधरी किस्म के लोग थे है ना, लेकिन उन चौधरियों में भी बड़े चौधरी। अहले किताब में से एक ग्रोह कहता है आमनु बिल्लज़ी उन्ज़िरा अलल्लज़ीना आमनु वजह नहार,
ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया गया है उन लोगों पर जो ईमान लाए हैं यानी सहाबा पर नाजिल किया गया है उनके ऊपर का मतलब उनकी तरफ। वजहन नहार दिन में, दिन के चेहरे में, वजह माने चेहरा तो यहाँ इब्तदाई हिस्सा, दिन के इब्तदाई हिस्से में। वक्फरु आखिरहु और इनकार कर दो उसके आखिरी हिस्से में यानी शाम में, दिन के शाम आखिरी हिस्से में यानी शाम में। लअल्लहुम यरजिऊन शायद कि वो पलट जाए। क्या मतलब? जो शो कॉल्ड दानिश्वर होते हैं वो अपनी मनवाने के लिए बहुत सारे खेल खेलते हैं और दुनिया तो उनको मानती है कि दानिश्वर है, तो उनकी बात कैसे रखी जाएगी। तो अपनी दानिश्वरी को मनवाने के लिए वो तरह तरह के खेल खेलते थे। अब तरह तरह के खेल खेलने में एक खेल ये था जो उनके दरमियान बहुत ज़्यादा साजिशी और मकार किस्म के लोग थे, वो क्या कहते थे अपने लोगों को यानी अहले किताब में से जो लोग भी उनसे करीब थे, मिले जुले थे या उनके मानने वाले थे, उनको कहते थे अच्छा एक काम करो, जाओ ईमान लाओ। लोग समझेंगे कि हाँ समझ में आ गया है, बड़ा खैरख्वाह हो गया, अब हमारे साथ रहेगा, हमारा फ़ायदा होगा। सुबह में ईमान लाओ शाम में इनकार कर दो। अब सुबह में ईमान लाओ शाम में इनकार कर दो से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? जो फर्क पड़ता था उसको समझने के लिए एक बात समझनी ज़रूरी है, वो ये है कि पहले से ये मजहब वाले थे, किताब वाले थे, गोया पहले से ये मजहबी एतबार से अहम समझे जाते थे, किताब वाले थे तो इल्मी एतबार से भी अहम समझे जाते थे। उनको गोया एक तरह से समाज और माशरे में अपर ग्रेड में काउंट किया जाता था और उसके मुकाबले में बहुत दिनों से अरब के अंदर कोई नबी नहीं आया था, कोई किताब नहीं आई थी, उनके अंदर जहालत ज़्यादा थी, मजहबी खराबियाँ ज़्यादा थी, कोई किताब मौजूद नहीं थी, तो वो लोअर ग्रेड समझे जाते थे और उसी लोअर ग्रेड की वजह से उनको उम्मी यानी जाहिल कहा जाता था, उनको उम्मी जाहिल समझा जाता था। तो अब जब वो अपर ग्रेड समझे जाते थे तो जो समाज का क्रीम तबका होता है, बड़ा तबका होता है, वो अगर किसी चीज़ को मान ले, आम लोग भी समझते हाँ सही होगा, तभी तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, हमको भी मान लेना चाहिए, और अगर ना माने तो आम लोग ये समझते हैं कि ये समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर कोई ख़तरा या नुकसान है, हमको भी उसे नहीं मानना चाहिए। अब अगर शक्ल ये बनती है कि ये आज मान रहे हैं और कल इनकार कर रहे हैं, उससे भी ये समझा जाएगा कि शुरू में तो अच्छा लगा गए, लेकिन अंदर जा कर के देखा, परखा, बरता तो लगा कि नहीं ये सब तो गड़बड़ है, इसीलिए वो वापस आ गए, इसीलिए इनकार कर दिया है। तो है कुछ ना कुछ दाल में काला, इसलिए हमको उसको मानना नहीं चाहिए, तस्लीम नहीं करना चाहिए। उसी को कहा गया लाल नहुम यरजिऊन, यानी जो लोग माने हुए हैं वो ये समझेंगे ये पढ़े लिखे लोगों गए तह तक गौर व फिक्र करके चेक करके जायज़ा लिया और उनको ये लगा कि ये गड़बड़ है, तो कहीं हमने समझने में तो गलती नहीं की है, हम पहले जो ईमान ले आए हैं, अगर हमने गलती की है तो हमको तो फिर उससे बचना चाहिए, रुजू करना चाहिए, अलग होना चाहिए। उसी को कहा गया लअल्लहुम यरजिऊन शायद कि वो पलट जाए, यानी अहले किताब की ये एक तदबीर थी, अहले किताब की ये एक साजिश थी, एक खेल था, इसके जरिए आम लोगों को भड़काने या बहकाने या काटने का एक चलन था। अब उसको अगर आज के अहवाल में समझना चाहें तो आप समझिए घर वापसी का पूरा चक्कर क्या है। जो लोग चले गए हैं ना समझी में चले गए,
आज हम समझा रहे हैं, अगर समझ में आ जा रहा है वो हमारे पास आ जाए तो हमारे कीमती लोग हैं, और उनको ये समझाने के लिए ही इस्लाम पर, इस्लाम के मानने वालों पर सारे हरबे यूज किए जा रहे हैं, ताकि कम से कम अगर मुसलमान नहीं आते तो जो उनका पिछड़ा तबका है वो उनके साथ बधा रहे, दूसरे लोग इस्लाम कबूल ना करें, वो लोग इस्लाम कबूल ना करें। जैसे ये लोग ये खेल खेल रहे थे, तो अगर उनमें से कोई टूट करके आ गया तो ठीक, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं थी, लेकिन कम से कम ये फ़ायदा उनको मिलने वाला था कि जो अहले किताब में से थोड़ा बहुत समझ बूझ करके जा सकते थे वो शायद रुक जाएं। जैसे आज निचले तबके को रोकने के लिए घर वापसी का पूरा खेल है। अब आगे क्या है, उसी को अब खुल्लम खुल्ला, जैसे आज वो दलितों को समझाते हैं ना कि तुम अगर इस्लाम ले आओगे तो इस्लाम में ये खराबी है और उससे तुमको फायदे के बजाय नुकसान होगा। हत्ता कि अम्बेडकर को भी तराया था, इसीलिए वो इस्लाम लाने के बजाय बहुत मजहब कबूल किया उसने। क्या है, वैसे ही ये लोग भी डराते, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, तुम मत ईमान लाओ मगर उस पर जो तुम्हारे दीन की इत्तबा करे। इसलिए हमारे पास खुद अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ ज़्यादा मजबूत है, अहम है, अगर कोई उसको मानता है तब तो ठीक है, हम वो एक, जैसे ये कहते हैं कि हमारे पास है, हमारी अपनी तहजीब है, हमारे अपने उसूल है, हमारी अपनी मजहबी किताबें हैं, उसको मान लो ये ठीक है चलेगा, लेकिन इस्लाम नहीं लाओ, मुसलमानों मत बनो, मुसलमानों के पास मत जाओ। कुल इस तनाजुर में यहाँ इनको क्या कहा गया कि तुम जो ये शर्त लगाते हो कि जो हमारे दीन की इत्तबा करेगा है ना वो तो हमारा है, और अगर कोई दीन की इत्तबा नहीं करता तो हमारा नहीं, हम उसे मानेंगे नहीं। ला तुम मेनू अपने आम लोगों भी कहते हैं तुम भी ना मानो। उस पर कहा कुल इन्ना हुदल्लाहि हुदल्लाह, कह दीजिए कि हिदायत तो असल हिदायत अल्लाह की हिदायत है। असल हिदायत अल्लाह की हिदायत का मतलब ये है कि इंसान को जो सही और गलत राह अपनानी है उसमें सही राह है कौन सी, जो यहूदी पेश कर रहे हैं वो, जो नसरानी पेश कर रहे हैं वो, जो उन्होंने खुद इख्तियार कर रखा है वो, या जो अल्लाह ने बताई वो, जो अल्लाह ने बताई वो सही हिदायत की राह है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन युता अहद मिस्लमा उतीतुम, अब अन युता अहद मिस्लमा उतीतुम और युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम। अब ये अन युता अहद मिस्लमा उतीतुम का क्या मतलब है, लफ्जी माना है कि किसी को दिया गया उसी के मानिंद जो तुम्हें दिया गया, यानी शक्ल यही होगी कि इनको अल्लाह ने हिदायतनामा दिया, हमको भी तो अल्लाह ताला ने हिदायतनामा दिया था, हम दोनों तो बराबर हो गए, तो उनका हिदायतनामा क्यों कबूल करें, हमारा अपना काफी। यहाँ तक ये बात समझ में आई, आई यूता आदम की किसी को दिया गया मिसलमा होती तो उसी के मानिंद जो तुमको दिया गया था, हम वो बराबर, तो हम उनकी बात क्यों माने। और युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, क्या वो तुमसे बहस करें तेरे रब के पास, तेरे रब के पास का मतलब ये है कि वो तुमसे ये कहें कि अगर आज समझ में नहीं आ रहा है तो कल फैसला होगा, कौन ज्यादा सही है कौन कम सही है या गलत है, तो अब उसमें जो चीज समझने की है वो ये है कि जब कल ही फैसला होना है तो आज मानना कौन जरूरी है, देख लेंगे, हालांकि दारुल अमल तो दुनिया है, आज अगर मान के जाएंगे तब वहां सुरखरोई हो सकती है, आज नहीं मान के जाएंगे कल कुछ करने का चांस तो होगा नहीं। कुल इन्नल फज्ल बियदिल्लाह, कह दो कि फज्ल अल्लाह के हाथ में, युती मैं यशाओ जिसे चाहता है देता है,
यानी अल्लाह ने जो मोहम्मद को नबुवत दे दी है ये फ़र्ज़ है। पहले तुमको नबुवत देता था, तुमको चाहता था दे दे, आज इनको दिए, इनको देना चाहता था दे दिया। कोई तुम्हारे इख्तियार की चीज़ है कि तुम कहो कि हाँ हम ही में रहे तो तुम ही में रहेगी, किसी और को नहीं दी जाएगी। अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह कुशादा है और जानने वाला है। कुशादा का मतलब ये कि वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, सारी खैर और सारी भलाई उन्हीं के लिए मुख्तस हो जाए। नबुवत भी उसी में, रिसालत भी उसी में, मालो दौलत भी उसी में, दुनिया की सरदारी भी उसी में, ये ज़रूरी नहीं है। अल्लाह तो हर एक को मौका देने वाला, हर एक को चांस देने वाला है। तुमको दिया जब तक तुम ठीक थे, ठीक थे, जब तुम बिगड़े तो दूसरे को चांस देगा। और अल्लाह जानता है किसको कब चांस देना है, किसको कब नहीं देना है। क्योंकि अल्लाह वासिउन अलीम, यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अपनी रहमत से, यहाँ रहमत से मुराद क्या है, नबुवत। अपनी नबुवत से खास करता है जिसे चाहता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है, अदीम फ़ज़्ल वाला है। किसी को रहमत देता है तो यूँ ही नहीं देता, उसके अंदर अहलियत, उसके अंदर सलाहियत पाता है तभी देता है। तुम्हारे अंदर जब सलाहियत थी तुमको दिया, लेकिन अब तुम उसका गलत इस्तेमाल करने लगे तो अब तुम अहल नहीं रह गए। अब जो लोग भी सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं उनको दे रहा है, वो अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके हकदार हैं, वो गलत इस्तेमाल करेंगे उनसे छीन के फिर किसी को दे देगा। अल्लाह ताला ने ये फिक्स तो नहीं कर दिया कि उन्हीं के पास रहेगी। अब नबुवत के हवाले से तो ये है कि हुजूर को दी गई, हुजूर खातमुन नबीन है, लेकिन जो नबवी काम है, रिसालत का काम है, वो इस उम्मत के मानों पर है। और वहाँ भी वही उसूल है कि जो उस काम को निभाएगा, उसकी अहलियत का सबूत देगा, वो जब तक निभाए तब तक है वो उसका अहल, वो फ़ज़्ल अल्लाह का उसके साथ रहेगा। लेकिन जब नहीं निभाएगा तो उससे छीन के किसी और कौम को, उससे छीन के किसी और कौम को वो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ट्रांसफ़र करता रहेगा जैसे पहले करता था। उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ रहमत से मुराद नबुवत ज़रूर है, लेकिन असलन नबवी ज़िम्मेदारी है, और नबवी ज़िम्मेदारी हुजूर ने निभाई, हुजूर के लिए वो चीज़ खास रही। लेकिन अब उसके बाद जिसको निभाना है वो भी अगर निभाएंगे तो ठीक, लेकिन अगर नहीं निभाएंगे तो अल्लाह छीन के दूसरे को दे देगा, तीसरे को दे देगा, जिसको चाहे वो देगा, देता है। आखिर इसी दुनिया में हमने देखा, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, इसके बारे में ये बात कही है अल्लामा इकबाल ने, तातारियों के हवाले से। पहले तो तातारियों ने तबाह बर्बाद किया मुस्लिम हुकूमतों को, वो ऐशो आराम में और मुख्तलिफ तरह के बिगाड़ में मुब्तला हो गए थे। बाद में अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी तो वो मुवाहिद बन गए, दीन के अलमबरदार बन गए, और खाने काबा की हिफाजत करने वाले बन गए, उसकी रखवाली करने वाले बन गए। तो अब ये जो चेंज आया, क्यों, जिसने उसका हक अदा करने का सबूत दिया उसके हवाले हो गया, और जिसने उससे रूगरदानी की, दाएं बाएं किया, उससे छीन लिया गया। ऐसा नहीं है कि पहले ही की मिसालें मौजूद हैं, बाद की नहीं मौजूद हैं, बाद की ये बहुत मोटी सी मिसाल है। अब ये जो आखिर की तीन आयतें हैं ये भी हमको कुछ समझाती हैं। उसमें दो खास बातें हैं जो समझने की। एक बात तो ये है कि जो लीडर ग्रुप होता है वो अपनी अनथक कोशिश करता है अपनी लीडरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है अपने वक्त के लिहाज से, ज़रूरत के लिहाज से। दूसरी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि ये सोच हमेशा यकसां रहती है कि वो ये चाहते हैं कि जो हम पसंद करते हैं, जो हमारा तरीका है, उसी को सारे लोग फॉलो करें। ला तूमिनू इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, ये कौन होते हैं दूसरों को पाबंद बनाने वाले कि मानो वही जो हमारे दीन की इत्तबा करने वाला है या उसके मुताबिक है। आज भी यही है ना, हमारी सभ्यता मानो तो ठीक है, रह सकते हो, नहीं मानोगे क़िबला काबा तुम्हारा मक्का होगा, नो चांस।
ये ذہنیت ہمیشہ ہوتی ہے اور آج بھی پائی جاتی ہے, لیکن وہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حق الگ چیز ہے, باطل الگ چیز ہے. ہم کو ان کی شناخت کرنی چاہیے اور شناخت کے نتیجے میں جو حق لگتا ہے وہ اپنانا چاہیے. اللہ نے ہمیں پہلے سے دے رکھا ہے لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہے, تو شعوری طور پہ حق کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طرح کی خامیوں اور غلطیوں میں محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.